नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रशून दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज से हम एक नई सीरीज लेके आए हैं विवेकानंद यूट्यूब कोचिंग चैनल पर, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी निकला हुआ है उसके संबंध में। आज से मैं आपको डेली, देखिए इसके पहले जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था वो 2016 में हुआ था, तो 2016 में भी ऑनलाइन पेपर हुआ था और सेम वही पैटर्न है। तो मैं डेली आज से आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा पुराने पेपर्स के। जैसे कि आज आप देख सकते हैं, आज जो आपका पेपर है वो 28 तारीख का पेपर है 2016 का। देखिए 28 मार्च 2016 को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, तो हम एक एक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 107 में से क्या घटाया जाए ताकि 96.4 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों 107.3, तो देखिए दोस्तों 107.03 में से मैंने x घटाया तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 96.4। अब मैं इस x को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, इस 96.4 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दूंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 107.03 माइनस 96.4 बराबर का x। अब मैं 107.03 में से 96.4 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10x बराबर 10.63। यानी हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ बी, यानी हम इस पे अगर ऑप्शन माने तो हमारा आंसर आएगा 4 नंबर, बी ऑप्शन हमारा सही है। उसको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि 7 भुजाओं वाला बहुभुज सप्तभुज होता है, सप्तभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर आएगा 4, सप्तभुज। ध्यान देना दोस्तों, षष्ठभुज यानी जिसमें 6 भुजाएँ हों, नवभुज यानी कि जिसमें 9 भुजाएं हों, और अष्टभुज जिसमें 8 भुजाएं हों। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 इस श्रेणी में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों 6, 12, 20, 30, 42, 56। ठीक है दोस्तों, अब देखें दोस्तों इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें। देखिए अब 6 से 12 तक कितने का डिफरेंस हुआ दोस्तों, प्लस 6 हुआ। 12 से 20 तक प्लस 8 हुआ, 20 से 30 तक 10 हुआ। यानी कि देखिए दोस्तों पहले 6 बढ़ा, 6 से 8 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, और फिर 2 बढ़ाएंगे तो 10 और 2 12 प्लस करेंगे, और 30 में 12 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 42। तो देखिए दोस्तों आंसर रहेगा इसका 42, यानी कि ऑप्शन 4, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जीएस से संबंधित है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो ध्यान दें दोस्तों, आप सभी को पता है रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, वह लड़की जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है, मेरी बहन। यानी कि आप देखिए दोस्तों राजीव, ये हो गया राजीव, राजीव की बहन। तो राजीव की बहन इस तरफ आई, और बहन के भाई, यानी राजीव का एक और भाई है, तो राजीव का भाई मैंने इस तरफ लिख दिया, भाई के पिता, के पिता की पुत्री, राजीव के पिता की पुत्री। अब राजीव के जो पिता हैं उसकी पुत्री क्या होगी, राजीव की बहन हुई। देखिए दोस्तों जब ये दोनों भाई हैं और ये एक बहन और एक बहन, तो ये इसका बहन हुआ आंसर, यानी कि आंसर नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 विद्यार्थी यथा प्रियंका, मैरी, आशा, सुनील और रेहान एक पंक्ति में खड़े हैं, रेहान के पहले प्रियंका खड़ी है। देखिए दोस्तों उसने कहा रेहान के पहले प्रियंका, यानी कि अगर मैंने रेहान को यहाँ खड़ा किया तो प्रियंका इसके पहले खड़ी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बोल रहा है रेहान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है। रेहान ये है और मैंने मान लिया आशा, तो इनके बीच में कौन खड़ा है, सुनील खड़ा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सुनील और मैरी के बीच रेहान खड़ा है, ये रेहान है ये सुनील है, तो ये मैरी और सुनील के बीच रेहान खड़ा हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है पंक्ति में सबसे आगे, तो दोस्तों हमें पता है पंक्ति में सबसे आगे कौन है, पी से प्रियंका, यानी दोस्तों इसका आंसर हुआ डी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी की ऊँचाई का अनुपात 5, ए की ऊँचाई बी की ऊँचाई का 5/8 भाग है, यानी ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 भाग है। दोस्तों अगर मैं यहां से देखूं तो देखिए अब बराबर का मान ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ए का मान कितना हुआ, अगर मैं यहां से पूछूं आपसे ए का मान, तो ए का मान 5 हुआ और बी का मान, तो बी का मान 8 हुआ।
यानी कि अगर ए की ऊंचाई 5 है तो बी की ऊंचाई 8। सवाल में पूछ रहा है कि बी की ऊंचाई का ए की ऊंचाई से अनुपात, यानी बी अनुपात है ए। तो देखिए दोस्तों, बी की 8 है और ए की 5, यानी कि सवाल का आंसर आएगा 8:5। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो गया हमारा ए, यानी कि 3 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है, हमें इन चारों में से विषम बताना है कौन होगा। सबसे पहले एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड और कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब किसके भाग हैं? कंप्यूटर के भाग, ये सब कंप्यूटर के भाग हैं। और डिजिटल कैमरा कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? देश में बताना, कौन से देश में? तो आपको पता होगा जो दाम्बुला है वो श्रीलंका देश में, कौन से देश में है? श्रीलंका में। श्रीलंका में एक जगह है कैंडी, तो कैंडी के पास ये आपका दाम्बुला। दाम्बुला में एक क्रिकेट स्टेडियम भी बना हुआ है, ध्यान रखना, जिसमें श्रीलंका की क्रिकेट टीम खेलती है। क्रिकेट स्टेडियम भी है दाम्बुला में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है, दो सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या का 3 गुना, यदि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो दोस्तों देखिए, हम कैसे लगाएंगे इसको, दो सतत यानी लगातार। मैंने मान लिया एक संख्या मेरी x हुई, तो मेरी दूसरी संख्या क्या हो गई? x प्लस 1, क्योंकि लगातार चाहिए। यदि पहली संख्या का 3 गुना, तो इसमें मैं कितना प्लस कितने का मल्टीप्लाई करूँगा? 3 का। दूसरी संख्या के 2 गुने, यानी इसका कितना गुना? 2 गुने से 5 अधिक है। जब ये 5 अधिक है तो मैं इसमें 5 प्लस कर दूंगा। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से बनेगा 3x, 2 का x में गुणा होगा तो 2x, प्लस के 2 और प्लस के 5। जब मैं इस तरफ लाऊंगा तो 3x में से 2x गया x और 5 और 2 7, यानी कि x का मान 7, यानी पहली संख्या हमारी बनी 7 और 7 में एक प्लस करूंगा तो अगली संख्या बनी 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि अगर मैं इससे यहां से आपको आंसर बताऊं तो हमारा आंसर आएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, आंसर आएगा 3 नंबर सी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। द रियल डील, तो दोस्तों ध्यान रखना, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आज का हमारा 12, हैकर कौन है? आपको पता है हैकर शब्द काफ़ी प्रचलन में है, तो हैकर कौन है? वह व्यक्ति जो गलियों में सामान बेचता है, वह व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति जो ऑनलाइन कंप्यूटर की बिक्री करता है, वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करता है। दोस्तों आपको पता है कि हैकर्स वह है जो अनाधिकृत रूप से हमारे डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर अगर बोला जाए तो 3 नंबर बी। पता, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये मौर्य वंश का था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के का नाम था अशोक। यानी कि दोस्तों, अगर पूछा गया है कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था, यानी अशोक किसका लड़का था, तो इसका आंसर आएगा बी, बिंदुसार, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। देखिए अगला है, जिस प्रकार भूतड़ा संबंधित है तेज, यानी धीमे और तेज, जस्ट विपरीत लिखा हुआ है, तो बोना किससे संबंधित है? बोना इसका विपरीत होगा फसल काटना। दोस्तों ध्यान देना, फसल काटना। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आंसर आएगा हमारा 1 नंबर।